नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र देने जा रहा हूँ। सूर्य ग्रहण में वशीकरण का प्रयोग बहुत जोर से होता है, बहुत जोरदार होता है और प्रयोग सफल भी होता है। लेकिन प्रयोग करने से पहले वशीकरण को जो सिद्ध किया जाता है उसके लिए भी जो सोलर एक्लिप्स होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही नॉर्मल सा एक साधना बताऊंगा। ये आसुरी दुर्गा तंत्र का भाग है, उसी में एक भाग आता है। जैसे लोग जानते हैं कि जो उल्लू तंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के की साधनाओं में आता है, उल्लू तंत्र एक पूरी किताब है। लेकिन आसुरी दुर्गा का जो तंत्र है, दुर्गा के बहुत सारे तंत्र हैं जिसमें वन दुर्गा आता है, उसी तरीके से आसुरी दुर्गा आता है। तो आसुरी दुर्गा तंत्र में अगर आप अध्ययन करेंगे तो एक भाग आता है उल्लू तंत्र। ठीक है, उल्लू तंत्र का मतलब होता है उल्लू जो होता है उसके शरीर के अलग अलग जो, जैसे उसकी उसका पंख हुआ या उसका नाखून हुआ, उन सब चीज़ों को मिला के तंत्र करना। इसमें दो तीन विषय समझने वाली है। आज के डेट में बहुत व्यापार हो गया है इन सब चीज़ों का, लेकिन तंत्र में किसी भी जीवित प्राणी का अंग प्रयोग नहीं हो सकता है। जब मैं ये कहता हूँ तो इससे आपको ये समझना होगा कि किसी भी प्राणी का अगर मृत्यु, अकाल हो, तो उसके अंगों का प्रयोग तंत्र में नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से उल्लू तंत्र में जब आप उल्लू का प्रयोग करते हैं तो वो मारा हुआ उल्लू नहीं हो सकता है। ऐसा उल्लू जिसका आपको कहीं पे गिरा हुआ हड्डी मिल जाए या किसी का पालतू पक्षी मर जाए, हाँ उस तरीके से जो चिड़िया होगी उसका ही आप प्रयोग कर सकते। दूसरा सबसे बढ़िया ये रहता है कि जो गुरु परिवारों में चलता आ रहा है प्रयोग, उससे आप सामग्री लें। ठीक है, ये बाजारू सामग्री से अगर आप काम करते हैं तो काम नहीं होगा। खैर, हमें जो चाहिए वो उल्लू की खोपड़ी में दीपक जला करके और उसके बाद उससे एक काजल बनता है। उसमें दो कच्चे मिट्टी के बर्तन होते हैं, एक में तेल भरा जाता है और उसका जो दीपक का लौ है वो खोपड़ी से निकाली जाती है, उसके ऊपर फिर एक और बर्तन ढका जाता है और ये दीपक जलता रहता है। इससे जो कार्बन जमा होता है वो काजल, वो कार्बन को काजल के रूप में हम लोग जमा करते हैं। तो जो मंत्र पढ़ा जाता है, जो उस काजल को रिचार्ज किया जाता है, वो इस एक्लिप्स के दौरान सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। आप लोगों को कैसे जाप करना, सबसे पहले कल अगर आप इसको शुरू करते हैं, ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप के पास सामग्री उपलब्ध है तब तो आप कल ही इसको सिद्ध कर लेंगे। नहीं अगर आपके पास सामग्री उपलब्ध है तो आप इसको किसी भी अमावस्या को, मतलब एक्लिप्स में जो साधना करनी है उसके बाद किसी भी अमावस्या को काजल बनाते समय 108 बार अगर जाप कर लेंगे तो वो काजल आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। लेकिन जैसे कल सोलर एक्लिप्स है तो कल क्या करना है आपको, सोलर एक्लिप्स के दिन जो मैं मंत्र आपको रुद्र देव का बताऊंगा उसको 1000 जाप करना है। ठीक है, 1000 जाप करने के बाद रोज आपको 108 माला इसका जाप करना, 108 गिनती इसका जाप करना, 108 बार। और जैसे कल आपने 1000 जाप किया, इसके बाद 7 दिन तक रेगुलर 1000 जाप कीजिएगा और उसके बाद अगले सप्ताह जो है इसको 2000 अगले 7 दिन तक आपको जाप करना है। मतलब कल बिना गिनती के पूर्ण जितना देर ग्रहण चले उतना देर इसको जाप कीजिएगा, इसके बाद एक सप्ताह तक 1000 जाप कीजिएगा, फिर उसके अगला सप्ताह 2000 जाप कीजिएगा, इसके बाद आप इसको 108 रोज़ जाप कीजिएगा। ठीक है, और जब जाप कीजिएगा, जब आपके पास सामग्री आ जाएगी, जब आपके पास
काजल बनाने का प्रावधान आ जाएगा, तो फिर इसको 108 जाप करके आप अपने काजल को अभिमंत्रित कर सकते हैं, और जितना बार यूज़ कीजिएगा उसको 108 बार जाप करके अभिमंत्रित करके उसको यूज़ कीजिएगा। देखें, जो आसुरी दुर्गा तंत्र है ना, उसमें बहुत तरीके का मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, और ये मंत्र जनरली मारण मोहन विच्छेदन, मतलब जो पंच षटकर्म है उसके लिए प्रयोग होते हैं। किसी को बांध करके उसको अपने प्रति आकर्षित कर लेना, ठीक है, राजा को अपने वश में कर लेना, ठीक है, इस तरीके से पुतला बना करके, जो पुतला बना के आप लोग वुडो देखते हैं जो बाहर के देशों में आता है, वो भी दुर्गा तंत्र में आता है, आसुरी दुर्गा तंत्र में। खैर, अब मंत्र सुनिए आप। जो मंत्र आप लोगों को जाप करना है, बहुत ही आसान सा मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय, आगच्छ आगच्छ, प्रविश्य प्रविश्य, धनु धनु, आकर्षय आकर्षय, मंडलम प्रकाशय प्रकाशय स्वाहा। ठीक है, फिर से सुनिए, ओम नमो भगवते रुद्राय, आगच्छ आगच्छ, प्रविश्य प्रविश्य, धनु धनु, आकर्ष्य आकर्ष्य, मंडलम मंडलम, प्रकाशय प्रकाशय स्वाहा। जब आप काजल को अभिमंत्रित करेंगे और उसका काजल का प्रयोग करेंगे, तो उसके पहले काजल को हाथ में लेंगे और उसके बाद मंत्र बोलेंगे, ओम नमो भगवते रुद्राय, रिम हिलिम फट स्वाहा। ठीक है, जब काजल लगाएंगे उस समय का ये मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ह्रिम हिलिम फट स्वाहा। तो ये दो मंत्र है जिससे कि आप आकर्षण वाली काजल को बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। देखिए, अघोर में जब आप अघोर हो जाते हैं तो सब कुछ सब समान होता है, सब एक तरह का व्यवस्था होता है, तो उसमें कोई भी अमावस्या, कोई भी पूर्णिमा, कोई सूर्य ग्रहण, कोई चंद्र ग्रहण, कोई दिन, कोई रात, कोई साल, कोई मास, किसी का कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप जब जिसका आवाहन और पूजा करेंगे वो फल देता है, लेकिन उस तिथि तक पहुँचने के लिए सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट है, उसी में कुछ दिनों में विशेष लाभ मिलता है आम साधकों के लिए। जो सधे हुए साधक हैं उनके लिए कोई भी ग्रहण जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का विषय नहीं होता है, वो किसी भी दिन साधना करके ऐसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए ये ग्रहण एक बहुत अच्छा दिन है। मान के चलिए कि आपका व्यापार में लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, व्यापारी हैं, गले पे बैठते हैं, आपके लिए ये वशीकरण बहुत अच्छा रहेगा कि आप काजल लगा कर बैठ गए। आपको इम्पोर्टेंट डील में जा रहे हैं, उस समय आप काजल लगा लिया, आँख में नहीं लगाया, कान के पीछे लगा लिया, तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला साधना शिविर हम फरवरी में कर रहे हैं, टोटल सीट 30 है, 30 लोगों का एक साथ साधना शिविर होगा, तो इसके एनरोलमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पहला जो 30 लोग आएंगे उनको ही हम लोग इसमें इंटरटेन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जिसको साधना का बेसिक मंत्र सीखना है वो बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ सकता है, जनवरी में शुरू होगा 2 या 5 तारीख पर। मेरा नंबर है 9431188585, एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ IMPOSTERS सर्च कीजिए, और USA, कनाडा और इंडिया से आप मुझसे बात कर सकते हैं rudna.cm4 पे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.xyz है। कुछ बहुत अर्जेंसी हो तो आप मुझे WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं, नर्गल मैसेज ना करें नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, भगवान रुद्र आपकी कृपा पर से ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश।